ठीक है तो अब हम बात करते हैं आज के नॉलेज सेक्शन की बहुत इंटरेस्टिंग इमेज थी विच आई लर्न अगेन ये आपके सामने है वो इमेज तो ये एक नवल uh, रविकांत करके एक ट्विटर हैंडल है ही इज़ आई थिंक वन ऑफ द पी इन्वेस्टर एज वेल राइट तो uh, काफ़ी एक अच्छा नाम है उनका बट आई डोंट फॉलो हिम एज इज बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा क्लोजली फ्रेंकली बट ये बहुत ही अच्छा मुझे इनकी एक राइटिंग दिखी तो उन्होंने कहा लाइफ फार्मूलेज लिखे उन्होंने कि लाइफ के क्या क्या फार्मूलेज हैं और ये फार्मूले में मतलब लाइफ को समझाने की कोशिश की और ये मतलब बींग एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो ये टिपिकली थोड़ा हमें सब अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें कि कितना ज़्यादा हम उसको ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं राइट जो चीज़ शायद वैसे हम लगता है कि नहीं यार बट बहुत अच्छे से इन्होंने जितना भी अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहा वो करा और मैं भी अपने थोड़े से कमेंट्स इसमें दूंगा और आई विल आस्क यू ऑल्सो कि आप भी बताना कि आप इसमें क्या क्या करते हैं ठीक है थीके? तो हैप्पीनेस को उन्होंने कहा कि हैप्पीनेस की इक्वेशन क्या है हेल्थ प्लस वेल्थ प्लस गुड रिलेशनशिप राइट तो आपकी अच्छी हेल्थ हो अच्छी वेल्थ हो और एक अच्छे रिलेशनशिप्स हो ये तीन चीजें अगर आपके पास हैं तो आप हैप्पी हैं राइट right? बिल्कुल टिपिकल राइट right? भाई अच्छी हेल्थ है और वेल्थ है और रिलेशनशिप अच्छे हैं फिर स्पेशली फैमिली मेंबर्स से फ्रेंड्स से तो और क्या अच्छी तो परफेक्ट है राइट एनीथिंग एल्स आई डोंट थिंक बी ही हैज मिस्ड अब इसने इन्होंने क्या किया एक एक चीज पिक की है हेल्थ को उन्होंने कहा कि भाई हेल्थ अब कि क्या इक्वेशन है हेल्थ है कि एक्सरसाइज करो डिसेंट डाइट लो और अच्छे से स्लीप लो ये तीन चीज़ हेल्थ के लिए है कि आप तीन चीज करो अब फिर उन्होंने एक्सरसाइज को बोला तो मैं अपना बताऊंगा हाई इंटेंसिटी रेजिस्टेंट ट्रेनिंग प्लस स्पोर्ट्स प्लस रेस्ट तो रेस्ट तो मैं बहुत करता हूँ ठीक है बट आई डोंट थिंक हाई इंटेंसिटी आई डोंट नो वट डज दैट इवन मीन ठीक है स्पोर्ट्स भी बहुत ही रैंडम आई डू योगा थोड़ा बहुत हाफ एन आवर फोर्टी फाइव मिनट्स इन अ डे थोड़ा बहुत वॉक अगेन फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स हाफ एन आवर दैट्स इट मोर नॉट मोर देन दट आई गेट अ टाइम अगेन दट इज ऑल्सो नॉट वेरी रेगुलर फ्रेंकली ठीक है तो मैं वो करता हूँ आई थिंक आई नीड टू इम्प्रूव ठीक है बेस्ड ऑन दिस रेस्ट बहुत करता हूँ ठीक है ठीक है और डाइट तो नेचुरल फूड्स इंटरमीडियट फास्टिंग्स प्लस प्लांट्स टू तो बींग अ वेजिटेरियन माई सेल्फ तो यस uh, yes, प्लांट्स बेस्ड डाइट हमारी मोस्टली रहती ही है इंटरमीडिएट फास्टिंग येस आई ट्राई टू डू बट मतलब टीन डेज में वन अगेन नॉट वेरी रेगुलर अगेन बट आई ट्राई टू डू दैट नेचुरल फूड्स अगेन वी ट्राई अगेन आई एवरी वन ट्राइज की वही आर्टिफिशियल फूड हम जितना भी कम कर सकें राइट right? तो वो प्रोसेस्ड uh, फूड हम जितना कम कर सकें नेचुरल फूड्स तो वी एवरी वन ट्राइज एंड वी ऑल्सो एज ए फैमिली ट्राई दैट स्लीप तो ये तीनों इन्होंने यहाँ से लिए राइट एक्सरसाइज ये डाइट ये अच्छा ठीक है स्लीप नो अलार्म अलार्म आइटपुट राइट एट नाइन आवर्स एंड सर्कैडियन रिदम्स राइट right? तो एट नाइन आवर्स तो नहीं होती है मेरी स्लीप बट सेवन टू एट आई हैव टू किड्स टू सेवन आवर्स मोस्टली एवरेज आई थिंक आई डू अलार्म्स आई पुट तो आई डोंट हैव सर्कैडियन रिदम्स ये वीडियोज़ वगैरह बनाने पड़ते हैं जब भी तो थोड़ा स्लीप पैटर्न गड़बड़ होता है बच्चों के साथ स्लीप पैटर्न गड़बड़ होता है किसी की क्लास सुबह है शाम है तो तो आई डोंट हैव दैट प्रॉपर एक एक चीज़ का स्लीप पैटर्न प्रॉपर नहीं है फ्रैंकली एंड आई थिंक आई वी शुड आई शुड इम्प्रूव ऑन इट वेल्थ की बात करते हैं तो अब ठीक तो तो है तो और आपके पास जो करंट वेल्थ है उसका, 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 उसका कमा रहे हो आप तो वो आपकी वेल्थ है राइट आपके इन्वेस्टमेंट्स पे कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अब इनकम क्या होता है वो इन्होंने समझाने की कोशिश की है. तो इनकम इज अकाउंटेबिलिटी प्लस लेवरेज प्लस स्पेसिफिक नो नॉलेज राइट इनकम कैसे आती है वो अकाउंटेबिलिटी से आती है लेवरेज से आती है और स्पेसिफिक नॉलेज से आती है उसका एक्सप्लेनेशन और दिया इन्होंने अकाउंटेबिलिटी ठीक है इनकम अगर आपको बढ़ानी है तो उसके ऑफकोर्स हम कैसे बढ़ाएं राइट उसके ऊपर यही फोकस है कि तो पर्सनल ब्रांडिंग करो आप अपनी पर्सनल प्लेटफॉर्म एंड रिस्क टेक करो राइट अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करो तो ये कोशिश मेन वी स्टार्टेड यदना आई थिंक एट सर्टन लेवल वी ट्राइड परिमल एंड आई पर्सनल ब्रांडिंग यदना की ब्रांडिंग मतलब हमारी कंपनी है तो वो पर्सनली बोलूंगा मैं पर्सनल प्लेटफॉर्म राइट इन्वेस्ट येना डॉट इन वो ट्राई किया मॉडल पोर्टफोलियोज वगैरह वो सब ट्राई किए टेकिंग रिस्क तो वो थोड़ा बहुत रिस्क किया थोड़ा हटके चीज़ की एक एडवाइजर एडवाइजरी मॉडल पे काम किया राइट तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा अलग से कोशिश की करने की तो वो मतलब बहुत अलग थाट प्रोसेस है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे काम किया रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काम किया जो बहुत सारे लोग नहीं करते तो वी डिड ट्राई टू दैट आई थिंक आई गिव सम बेनिफिट ऑफ डाउट ऑन दिस माई सेल्फ लेवरेज राइट हाउ डू यू लेवरेज वे डिस थिंक कि अपनी कैपिटल को लेवरेज करो जैसे मैन्युफैक्चरिंग में टिपिकल रहता है जैसे टाटाज कर रहे हैं अपनी कैपिटल को लेवरेज करके सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप कर रहे हैं राइट तो ये बड़ी बड़ी कंपनी जैसे लेवरेज करती हैं अपनी कैपिटल को पीपल को लेवरेज राइट गुड पीपल को आप लेवरेज कीजिए उनका नॉलेज को तो वी आर वी डू दैट एट सर्टन लेवल राइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो मेरे को नहीं लगता है कि हमारी कंपनी या मैं हम बहुत ज़्यादा इस लेवरेज को बहुत ज़्यादा यूज करते, है, yes. sure uh, करते हैं बट पीपल को एट सर्टन लेवल येस वी ट्राई टू हायर गुड पीपल एंड लेवरेज दैन एंड आई एम श्योर यू कैन सी लॉट ऑफ पीपल जो हमारे इसमें करते हैं वीडियोज़ वगैरह भी बनाते हैं लॉट ऑफ एनलिस्ट भी हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है लास्ट इंपॉर्टेंट और इसके ऊपर शायद मैंने एक अलग से भी बात की थी स्पेसिफिक नॉलेज नोइंग हाउ टू डू समथिंग सोसाइटी कैन नॉट येट इज़िली ट्रेन अदर पीपल्स टू डू राइट मतलब एक ऐसी चीज पता हो जो आपको लगता है कि सोसाइटी ना इसको बहुत इज़िली ट्रेन नहीं कर सकती इस चीज़ के ऊपर वो चीज़ मुझे लगता है कि मतलब एट यज्ञा लेवल वी ट्राई टू डू दैट अ लॉट राइट स्पेसिफिक नॉलेज क्रिएट करना विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू गाइज टॉकिंग टू लॉट ऑफ वन फेस टू फेस करते हैं टॉकिंग टू लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स जो हमारे साथ ऑलरेडी हैं उनके साथ बहुत सारे टाइप से वेल्थ मैनेज कर रहे हैं राइट तो वो सब चीज़ों से आई थिंक वी हैव गॉट दैट नॉलेज वी हैव गॉट दैट अंडरस्टैंडिंग राइट कि जिससे हमें लगता है कि वो एक स्पेसिफिक नॉलेज एट यज्ञ लेवल वी है राइट एंड तो वो चीज़ मुझे लगता है कि ये ये इस पॉइंट को आई थिंक एक अच्छे लेवल पर आई वुड पुट माई सेल्फ फिर अब इन्होंने यह बता दिया इनकम बता दिया अब इन्होंने बताया कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली बाय एंड होल्ड ठीक है तो हमारा थॉट प्रोसेस है कि बाय एंड होल्ड करो अच्छे वैल्यूएशन पे लो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो हम बहुत रखते हैं अगर आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज देखेंगे तो आपको पता है कि अभी थोड़ा मार्केट डाउन हुआ तो अच्छे कर रहे हैं हमारा मॉडल पोर्टफोलियोज सभी मोस्टली वन मंथ में सभी मॉडल पोर्टफोलियोज आर बेटर देन द इंडेक्स क्यों क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ा सा हमारा एक क्वालिटी बायस रहता है तो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स ऐसी मार्केट्स में अच्छा करते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं वैल्यूएशन पे थोड़ा फोकस तो करते हैं बट बहुत ज्यादा अगेन डिपेंडिंग ऑन पोर्टफोलियोज बट बाय एंड होल्ड ये डेफिनेटली वी डू अ लॉट मोर ठीक है एक बट सब सम पीपल विल से कि आप बहुत ज्यादा चेंजेस करते हैं बट अगेन इट डिपेंड्स राइट वी वी डोंट थिंक बाय एंड होल्ड मींस कि एक बार बाय किया और जिंदगी में कभी सेल नहीं किया स्टॉक के बारे में स्पेसिफिकली राइट बाय इट इज़ मोर ऑफ कि आप जब ले रहे हैं इस थॉट प्रोसेस से लो कि मैं दस साल पंद्रह साल कभी नहीं बेचूंगा बट अगेन चेंज हुआ तो वी शुड चेंज एज इस ठीक है तो इस तरह से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे फार्मूलाज लगा तो अगेन आई थिंक दी एज सिम्पलीफाइड टू मच बट गुड रिलेशनशिप पे उन्होंने कुछ दिया नहीं है तो आई थिंक वो तो कोई फार्मूला नहीं होगा उसके ऊपर राइट बट दीज आर द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स विच आई मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगे फार्मूलाज थोड़ा ऑब्जेक्टिफाई करने की थोड़ा क्या है ना अपन चेक कर सकते हैं कि हाँ ये 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 ठीक है तो वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगी तो आप भी देखना मुझे रिप्लाई करना आप क्या करते हैं अगर इफ़ यू कैन थोड़ा बड़ा हो जाएगा आंसर बट ठीक लेट्स डिस्कस अबाउट लेट्स टॉक एक दूसरे का पता भी चलता है कि लोग क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं राइट वहां तो पे तो प्लीज आप इफ यू यूज कैन टेल मी अबाउट दिस थिंग्स टू लेट मी नो ऑन इट दैट इज ऑल हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों